शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुन मेरी बात। अच्छा बोल, तू बोलना। मैं तो बोल। नहीं नहीं बोल बोलना। हीरोइन मिले तो हीरो में बनूंगा, लेकिन सिर्फ एक शो के लिए। अगला शो मैं बनूंगा। ओके, वरना वो बुड्ढा हीरो बन जाएगा। तो बॉने ने बोला था कि यहाँ पर आएंगे तो कुछ हिंदुस्तानी लोग मिलेंगे, फिर दोस्ती वोस्ती होगी, फिर वो हीरोइन से मिलाएंगे। और यहाँ तो कोई अपना नजर नहीं आ रहा। देख देख। अरे मुझे नहीं, उधर देख। आई थिंक दीज आर द पीपल, कम। पूछ पूछ पूछ। बोने ने बोला था पहले ये लोग पूछेंगे। अच्छा, अरे अरे हम लोग अरे अरे वाच से। पूछ पूछ पूछ। जी वो हीरोइन। हीरोइन मत बोल, पुड़िया बोल। पुड़िया गुड़िया। पुड़िया पुड़िया बोल रहा भाई। पुड़िया पुड़िया। हाँ पुड़िया है। है पैसा लाए। हाँ 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 लाए लाए लाए। है 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 है। पुलिस पकड़ो पकड़ो पकड़ो। Who's that? हम है बॉस। Oh, yes. Come, come, come in, come in. बॉस, डील सक्सेसफुल हो गई। शाबाश, वेरी गुड। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? हुई थी बॉस, पुलिस वहां पर आई थी। पुलिस? पुलिस को कैसे पता चला? वो हमें नहीं पता। But we escaped. Thank God. बैग खोलो, खोलो। Excuse me, boss. Voila. ये चड्डी, जांघिया, पैंट, शर्ट, ये सब क्या? पैसा कहाँ है? बॉस, हमने बैग तो बराबर एक्सचेंज किया था। कोड वर्ड भी सेम टू सेम बोला था। हमने बोला माचिस है, उसने माचिस दिया। मैंने बोला पुड़िया, उसने बोला पुड़िया। अरे पुड़िया बोला था कि गुड़िया बोला था? ये सब क्या है? पुड़िया बोला था। मनु भाई गांधी हियर क्या? अब समझा।
हमारा सारा माल पुलिस ने पकड़ पुलिस ऐसा कैसे हो सकता है बॉस? ऐसा हुआ है, अभी अभी शेर खान ने मुझे बताया कि उनके लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने मार मार के उन लोगों से कोडवर्ड उगलवाया होगा। इसका मतलब ये है कि वो साले कमिश्नर जेडी मेहरा ने हमारी ड्रग डीलिंग पकड़वाने के लिए हमारे पीछे इंडियन सीआईडी को लगाया। तुम लोगों ने जिनके साथ डीलिंग की वो खुफिया पुलिस थी। यस बॉस। देखो मेरी इमेज यहाँ पे एक एक बहुत बड़े बिल्डर की है जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता। हाँ तुम लोग बाहर जाओ और सावधान होके जाओ और वापस नहीं आना यहाँ पे। गेट लॉस्ट बॉस, गेट लॉस्ट, आई सेड गेट लॉस्ट। वन कॉफी प्लीज। कमाल का शहर है यार, पहली बार ऐसा चोर देखा जो मेरा बैग ले गया और अपना बैग छोड़ गया। अरे उन लोग चोर नहीं है, उन लोग कुछ और थे। मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है। मैं क्या बोलूं, बैग खोल के देखे बैग। नहीं नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर बहुत पब्लिक। तो कहाँ? कोई ऐसी जगह चलते जहाँ कोई ना हो। ना चलते इधर, इधर चलते। कौन? बॉस 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 हमें बचा लो, बॉस हमें बचा लो। सही बस, क्या हुआ क्या हुआ? अरे वो खुफिया पुलिस हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है। क्या? यस बॉस, हमने अपनी इन आंखों से उनको इस होटल के अंदर आते हुए देखा है। अरे तुम लोग यहाँ क्यों आए मुझे मरवाने के लिए? अरे तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं उनके हाथ नहीं आऊंगा। ये क्या है? सफेद सफेद आटा, 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 आटा। ये ड्रग्स है। ड्रग्स? हाँ। इसको लेकर नशा चढ़ जाता है। ये तो लफड़ा है। हाँ, इन लोगों ने गलती से दे दिया हमें। तू बस झुलझली किस्म का लफड़ा, इसका उपाय क्या है? बंद कर, बंद कर। क्या करें? सोचने दे। क्या सोचने दे? इसके अंदर का माल उठा के फेंक डालते हैं, ये बैग रख लेते हैं, कपड़े रखने का काम आएगा। अच्छा बैग है यार। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? मालूम है इसकी कीमत क्या है? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया? ये अरे 5,000 के ऊपर की चीज नहीं है ये। अबे ढोलकी के, मैं इस बैग की बात नहीं कर रहा, अंदर के माल की बात कर रहा हूँ। ये कचरे का 1 करोड़ रुपया तूने के मेरे को ये ना समझाई क्या? ए तीसरी फेल पीटी पास, मैं बी इंग्लिश हूँ समझे? ये सब जानने समझने के लिए अक्ल चाहिए जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा, मेरी बात सुनना। अगर वाकई ये माल 1 करोड़ रुपए का है तो इसको साले को बेच डाले, कम से कम सारी जिंदगी उस चंपक सेठ के लिए अपना पिछोड़ा उठा उठा कर मुजरा करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अरे दो गाली मारेंगे उस चंपक सेठ को और सारी जिंदगी ऐश से जिएंगे। क्या बोलता है, इस माल को बेच दे? हाँ बेच दे, बेच दे। एक काम कर, तू सड़क पर दरी लगा और माल बेचना शुरू कर दे। बोल ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो। पब्लिक आएगी क्या? आएगी ना, वर्दी पहन के आएगी। पुलिस, excuse me, where's the police station here, please? But I'm from Russia. Don't ask me stupid questions. क्या 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 बोला ये? इधर तू, इधर आ। तेरे को उठा के लेके जाएगी और 150-200 साल के लिए अंदर डाल देगी। नहीं नहीं, अपन एक काम करते हैं, हम लोग इस कचरे को ले जाकर कचरे में फेंक देते हैं और अपन कचरे से बाहर आ जाते हैं भाई। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन। चल अपन पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस वालों को सारा सामान देते हैं और इसके बाद उनको बोलते हैं कि हम लोग, हमको अंदर करो, हम अंदर आने के लिए तरस रहे हैं। दिमाग खराब है क्या तेरा? उल्टा उन लोग हम लोग को इनाम देंगे हमारी ईमानदारी के लिए। बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी। यू मेरी क्यों नहीं छपेगी? लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास? ए हमको भी सोचने का मौका दो भाई। सोचने के लिए दिमाग चाहिए, तू सिर्फ अपने कान खोले रख और मैं जो सोचता हूँ वो सुन बस। नहीं नहीं, फिर भी हमारा भी सोचना जरूरी है। टैक्सी, जल्दी आओ मूर्ख, जल्दी आ। Do you want us to believe this stupid story? That someone gave you the drugs, then run away? Officer, please try and understand. Listen, I'm from India and I only speak the truth. Shut up! Hey, chup chup, yaar, main samjhata hoon.
देखे जमादार साहब, ये तो शराबत की हद हो गई। हम लोग यहाँ पर आए थे एक नाटक करने के लिए, नाटक के लिए हीरोइन चाहिए। What do I know? बस इतनी सी बात थी कि उस गुल्लू के पट्टे ने हमसे कह दिया कि तुम जाकर यहाँ पर गार्डन में खड़े हो जाओ, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो हीरोइन देते हैं। तो हम लोग जाकर शराफत से खड़े हो गए। इतने में देखते हैं कि दो सांड टाइप के लोग आते हैं, दोनों की आंखों पर काला काला चश्मा, एक गोरा एक काला, गोरे गोरे मुकुट पे काला काला चश्मा, और दोनों के दोनों अंधे, और आकर मुंह पर सिगरेट लगाते हैं और हमसे पूछते हैं कि भाई साहब माचिस मिलेगी। हमने भी ईमानदारी से माचिस लगा डाली, अब माचिस लगा डाली और निकाल कर आग लगाई रहते। इतने भाई साहब कहते हैं कि फू सारे ने माचिस बुझा डाली, और जब पूछा कि हीरोइन मिलेगी तो बोलता कि नहीं यहाँ पर तो पुड़िया मिलती है। तो हमने सोचा कि शायद आपके देश के अंदर भैया हीरोइन को पुड़िया कहते, तो हमने कहा तो पुड़िया सी पुड़िया बता दो। तो बस इतना बोलने की देरी, इतने में उसने उठाया हमारा बैग ले लिया और अपना बैग थमा दिया और जाकर साले फूट गए। अब फूटने के लिए हम लोग भी फूट सकते थे, लेकिन भाई साहब के दिल के अंदर एक क्षता जगी और गता बन के हम लोग इधर आ गए। Sir, we have two Indians here with a case full of drugs, but we don't understand their language. Okay, sir. Morning, sir. Morning, sir. Get them in. Hey, come on, let's go. अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम पिकनिक जा रहे हैं। अभी तू अपना लाउडस्पीकर बंद रखना, कुछ बोलना मत वहाँ। मैं बात करूँगा बड़े साहब से। Okay. यानी दो आदमी आए और तुम्हें ये बैग देकर चले गए। सर सर वी इंडियंस भाई भाई सर शायद आई विल आंसर द क्वेश्चन। यस सर मानता हूं, मगर ये ड्रग्स के बैग तुम्हारे पास पाए गए, या तो मुझे तुम्हें बंद करना पड़ेगा या तुम दोनों को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। कैसे? हाँ कैसे? क्या तुम्हारा कोई लंदन में है जो स्टेटमेंट पर साइन करेगा या तुम्हारी जामिन देगा? नहीं 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 सर, लंदन में नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत है। बोलो बुलाओ, उनका भाड़ा कौन भरेगा? तो क्या क्या बंद कर, नहीं तो ये फिर अंदर डाल देंगे। सर एक टैक्सी ड्राइवर है सर। सर लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे मालूम नहीं वो कहाँ रहते हैं सर। उस टैक्सी का नंबर? जी टैक्सी का नंबर है LH AG 36। एक मिनट यार, तू याद करने दे। 3669 सर। ऑफिसर, find where the taxi is parked.